नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम लोग गो और नो गो गेज इसके बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर गेजेस होते क्या हैं। टिपिकली क्या होता है, हमारे जो इंस्पेक्शन करने का जो तरीका होता है हम दो तरीके से करते हैं। एक होता है हमारा वेरिएबल मेजरमेंट, जहां पर कि हम काफ़ी सारे तरह के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, जहां पर कि हमें कुछ रीडिंग्स मिलता है, ऑब्जर्वेशन मिलता है। और जैसे जैसे हम अपना इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट को बढ़ाते हैं हमें हायर प्रिसीजन में रीडिंग मिल सकता है। दूसरा तरीका होता है, वो होता है गेजेस का इस्तेमाल करके। तो गेजेस जो होता है, गेजेस में हमें कोई रीडिंग नहीं मिलता है ना, इसमें एट्रीब्यूट मेजरमेंट होता है, हमें डिसीजन मेकिंग करने में आसानी होती है। यानी कि यहाँ पर हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि प्रोडक्ट जो है, पार्ट जो है, ये एक्सेप्टेबल है कि रिजेक्टेड है। लेकिन कितना एक्सेप्टेबल है, क्या डायमेंशन है, हमें ये पता नहीं चलता है गेजेस से इंस्पेक्शन करने के द्वारा। अगर हमें रीडिंग चाहिए होता है तब हम वेरिएबल मेजरिंग सिस्टम जो होता है, यानी कि हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं गेजेस आर फर्म डिजाइन इंस्पेक्शन टूल विदाउट ए स्केल। यानी कि गेजेस में कोई स्केल नहीं होता। जैसे कि अगर हम बात करें वर्नियर कैलिपर की, माइक्रोमीटर की, हाइट गेज की, उनमें क्या होता है, स्केल होता है ना, और उन स्केल से हम मेजरमेंट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कितना वैल्यू आ रहा है, जो कि यहां पॉसिबल नहीं है। वी सर्व टू चेक द डायमेंशन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट। यानी कि स्केल से हमें क्या होता है, डायमेंशन मेजर करने में आसानी होती है ना। तो गेजेस डू नॉट इंडिकेट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द इंस्पेक्टेड डायमेंशन ऑन द वर्क। तो प्रोडक्ट जो भी हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं उसमें एक्चुअल वैल्यू क्या आ रहा है हम गेजेस से जान नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन इससे इंस्पेक्शन करना काफी आसान होता है, डिसीजन मेकिंग काफी आसान होता है। और अगर हमें 100% इंस्पेक्शन करना है, मास मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा इंस्पेक्शन करना है ना, हमें रिजल्ट यानी कि सिर्फ जानना है कि भाई ओके या नॉट ओके है। काफी बार क्या होता है, मेटेरियल का सेग्रीगेशन करना होता है, हमें डायमेंशन की जरूरत होती नहीं है। क्योंकि टिपिकली जब हम डायमेंशन की बात करते हैं, डायमेंशन का जरूरत हमें एनालिसिस पर्पज के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए, कंट्रोल चार्ट वगैरह बनाने के लिए हमें ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको डायमेंशन की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अगर डिसीजन मेकिंग चाहिए कि प्रोडक्ट ओके है या नॉट ओके है, अगर यही जानना है, तो गेजेस ज्यादा रिलायबल माना जाता है। अब आता है बात दोस्तों, गो नो गो गेज क्या होता है। जैसा कि नाम बता रहा है, गो और नो गो, यानी कि एक तो जाना चाहिए, दूसरा नहीं जाना चाहिए। यानी कि इस तरह के जो गेजेस होते हैं, इसमें दो हिस्से होंगे। एक होता है गो वाला पार्ट, जो कि एंटर करना चाहिए, इसको हम ग्रीन जोन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा होता है नो गो वाला साइड, यानी कि इसमें ये रेड कलर से इंडिकेट किया गया, यानी कि इसमें नहीं जाना चाहिए। अब ये कलर कोडिंग जरूरी नहीं कि सारे आपको गेजेस में कलर कोडिंग मिलेगा, लेकिन ये समझाने का तरीका है, ठीक है ना। तो ये जो इंस्पेक्शन करने का टूल होता है, ये टॉलरेंस के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं, और इसमें एक गो वाला पार्ट होता है, दूसरा होता है नो गो वाला पार्ट। और पार्ट के डिसीजन मेकिंग में, से फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट है, जैसे कि अगर हम इसको ले लेते हैं, प्लग गेज या पिन गेज, कुछ भी कह लीजिए, तो ये वाला हिस्सा जाना चाहिए। अगर एंटर कर गया, इसका मतलब प्रोडक्ट ओके है, और ये एंटर नहीं करना चाहिए। तो ये अगर एंटर कर गया तो प्रोडक्ट नॉट ओके है, और ये अगर एंटर नहीं किया तो भी नॉट ओके है। तो ओके के दो कंडीशन बन रहे हैं, और नॉट ओके के भी दो कंडीशन बनते हैं। तो गेजेस में हमेशा, यानी कि गो और नो गो गेजेस में हमेशा हमें दो दो कंडीशन दोनों के लिए बनते हैं। अगर गो चला गया तो ओके है, नो गो चला गया तो क्या हो गया, नॉट ओके है। और गो नहीं गया तो नॉट ओके है, और नो गो नहीं गया तो क्या हो गया, ओके हो गया। तो गो नो गो कंडीशन का जो हम डिजाइन करते हैं, ये मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन और लीस्ट मटेरियल कंडीशन के प्रिंसिपल पर इसको डिजाइन किया जाता है। अब दोस्तों, गेजेस काफी सारे टाइप में होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सारे तरह के गेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। हम जानेंगे इस मॉड्यूल में जो तीन टिपिकल तरह के गो नो गो गेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें है प्लग गेज, रिंग गेज और स्नैप गेज। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं प्लेन प्लग गेज के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि नाम बता रहा है, प्लेन प्लग गेज, यानी कि इसमें क्या होता है, प्लेन कंडीशन होता है। तो प्लग गेज की अगर बात करते हैं, इसमें दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लेन प्लग गेज, दूसरा होता है
थ्रेड प्लग गेज, यानी कि जैसे कि ये पोर्शन आप प्लेन देख रहे हैं, थ्रेड प्लग गेज में क्या होगा, गो और नो गो साइड में क्या होगा, थ्रेडेड रहता है। यानी कि प्लेन प्लग गेज जो होता है ये प्लेन होल को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और थ्रेड प्लग गेज का इस्तेमाल थ्रेडेड होल को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें दो हिस्से होते हैं, एक गो वाला पार्ट होता है और एक नो गो वाला पार्ट होता है। डिसीजन मेकिंग हमारा उसी तरीके से होता है, यानी कि गो वाला साइड जाना चाहिए और नो गो वाला साइड नहीं जाना चाहिए। इंस्पेक्शन करने के अलावा गो नो गो गेज का इस्तेमाल हम कंपेयरिंग करने में, सेटिंग करने में और कैलिब्रेशन पर्पज के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि ये प्लेन प्लग गेज है, यानी कि गो और नो गो कहीं पर एंटर करना चाहिए, तो इसका इस्तेमाल जो होता है होल को चेक करने के लिए किया जाता है। अभी प्लेन प्लग गेज जो होता है ये अलग अलग टॉलरेंस में, अलग अलग स्टैंडर्ड में ये मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसे कस्टमाइज करके बनवा के ले सकते हैं। तो यहां पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं दोस्तों प्लेन प्लग गेज का, और ये प्लेन प्लग गेज जो है 25H7, तो H7 जो है ये टॉलरेंस दिखा रहा है, यानी कि 25 प्लस 0.0 और प्लस 0.27, यानी कि गो साइड जो रहेगा ये प्लस में 0.0 यानी कि 25 mm का रहेगा, और ये नो गो साइड जो रहेगा ये रहेगा थोड़ा सा बड़ा, यानी कि रहेगा 25 प्लस 0.27 यानी कि 25.27 का रहेगा। तो ये 0.00 और 0.27 जो है ये H7 टॉलरेंस को इंडिकेट करता है। तो दोस्तों काफी बार कंफ्यूजन भी होता है कि गो और नो गो साइड को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। वैसे गेज मैन्युफैक्चरर जो रहता है टिपिकली इंडिकेट कर देता है, और गेजेस में जनरली गो साइड में गो लिखा रहता है और नो गो साइड में नो गो लिखा रहता है। लेकिन फिर भी अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए तो एक सिंपल तरीका है कि गो साइड जो होता है चूंकि वो एंटर करना चाहिए, तो प्लेन प्लग गेज में गो साइड थोड़ा सा छोटा होगा कंपेयर टू नो गो साइड, और नो गो साइड जो रहेगा कंपेयर टू गो साइड ये बड़ा रहता है क्योंकि वो जाना नहीं चाहिए, इसलिए बड़ा रहता है नो गो, छोटा रहता है गो साइड। आप दोस्तों जानते हैं हम दूसरे तरह के हमारे गेज जो कि है स्नैप गेज। तो यहां पर जो हम स्नैप गेज देख रहे हैं ये जो है ये प्लेन स्नैप गेज है, इसमें एक डायल वाला वर्जन भी आता है यानी कि डायल स्नैप गेज, ठीक है ना। खैर हम लोग भी बात कर रहे हैं प्लेन स्नैप गेज की बात करते हैं। तो यहां पर भी गो और नो गो कॉन्सेप्ट काम करता है, एक गो पोर्शन रहता है और एक नो गो पोर्शन रहता है, यानी कि गो एंटर करना चाहिए, यानी कि वर्कपीस जो है गो वाले पोर्शन में एंटर कर गया तो ओके है, और नो गो वाला साइड में एंटर नहीं करना चाहिए, अगर नो गो में एंटर कर गया तो भी ये गड़बड़ है, पार्ट रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर स्नैप गेज की बात करते हैं तो इसमें जो गो वाला पोर्शन रहता है साइज में नो गो वाले पोर्शन से बड़ा होता है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, ये हमारा एक स्नैप गेज है, आप देख सकते हैं यहां पर ग्रीन वाला पोर्शन जो है गो साइड है और रेड वाला पोर्शन जो है नो गो साइड है। तो यहां पर देख सकते हैं इसका जो डायमेंशन है 25.55, यानी कि कंपेयर टू आप नो गो देख सकते हैं जो कि 25.45 है, तो गो वाला साइड बड़ा है यानी कि इसमें थोड़ा ज्यादा ओपनिंग है, यानी कि गो में एंटर करना चाहिए, और नो गो वाला साइड जो है इसका डायमेंशन थोड़ा कम है यानी कि नो गो वाले में एंटर नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से डिजाइन किया जाता है गो नो गो स्नैप गेजेस को। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास में एक स्नैप गेज है जिसका साइज जो है 12.5 प्लस माइनस 0.05, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें गो वाला साइड जो हो जाएगा ये हो जाएगा 12.55 यानी कि बड़ा हो जाएगा 12.55, और नो गो साइड जो हो जाएगा ये 12.45 हो जाएगा यानी कि ये छोटा हो जाएगा साइज में। तो वर्क पीस के इंस्पेक्शन करने के कंडीशन के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो गो वाले कंडीशन में आप देख सकते हैं ये हमारा एक प्रोडक्ट है, एक वर्क पीस है जिसे हम चेक कर रहे हैं स्नैप गेज के माध्यम से। तो वर्कपीस जो है गो वाले पोर्शन में यहां पर फुली एंटर कर रहा है यानी कि ये एक्सेप्टेबल है, ओके कंडीशन है, और नो गो में नहीं जा रहा है ना। तो नो गो में जाना नहीं चाहिए और गो में एंटर करना चाहिए, तो ऐसा अगर प्रोडक्ट होगा तो आपका प्रोडक्ट जो है डिसीजन मेकिंग में ओके कहलाएगा, एक्सेप्टेबल कहलाएगा। और दूसरा कंडीशन होता है इसका अपोजिट यानी कि नॉट ओके, यानी कि वर्कपीस जो है गो वाले में चला गया है और नो गो वाले में भी एंटर कर गया है तो भी ये नॉट ओके हो जाएगा, और अगर गो वाले में भी एंटर नहीं कर रहा है तब भी ये नॉट ओके ही कहलाएगा। हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ गेज है दोस्तों ये है रिंग गेज, और रिंग गेज में भी आता है प्लेन रिंग गेज आता है और थ्रेडेड रिंग गेज भी आते हैं। तो प्लेन रिंग गेज जो रहता है ये प्लेन
पिन टाइप के प्रोडक्ट साफ्ट वगैरह को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं और थ्रेड वाला जो रहता है थ्रेडेड पार्ट्स को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कॉन्सेप्ट यहां पर सेम ही रहता है, गो वाले में पार्ट एंटर करना चाहिए, नो गो वाले में पार्ट एंटर नहीं करना चाहिए। और अगर थ्रेडेड रिंग गेज की बात करते हैं तो रिंग फॉर थ्रेडेड आर डिजाइन अकॉर्डिंग टू IS 1502। तो स्टैंडर्ड जो है IS 1502, ये थ्रेडेड रिंग गेज को डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम से आपको गेजेस क्या होते हैं, गो नो गो गेजेस क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक करना ना भूलें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने का और आगे बढ़ने का मौका मिले। और हाँ दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग का 30% प्रोग्राम को एक्सप्लोर करना ना भूलें, हमारे पोर्टल courses.qualityhubindia.com को विजिट करें। घर बैठे कोर्सेज को पढ़ के सीख के आप अपने करियर को नई ऊंचाई में लेके जा सकते हैं। किसी भी तरह के डाउट होने पे आप हमें कॉन्टैक्ट करना ना भूलें। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।